सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। और आज हम आए हैं एक जो अपना पुराना तरीके से जो गुड़ बनाया जाता है देसी घर का गुड़, तो ये हमारे भाई साहब हैं बोदीवाड़ा के, जो इनकी है यहाँ पे फैक्ट्री, जो गुड़ की फैक्ट्री जो पुराने टाइप से लगी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये मेन हाईवे है जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पे जो बड़ी नहर है गंगनाल, उससे पहले ये जो है गुड़ की फैक्ट्री है। और यहाँ पे जो देसी गुड़ है किस तरीके से बनाया जाता है और कौन कौन सी क्वालिटी यहाँ पे दी जाती है, तो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो करते हैं बात भाई साहब से, जो इसके ओनर हैं उनसे बात करते हैं। तो ये हैं राम राम भाई साहब। राम राम। राम राम। राम राम। राधे सभी को। राधे राधे। तो भाई साहब ये बताओ, ये आपका है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम संजय नैन है जी। संजय कुमार नैन वाला पिता से हूँ। अच्छा, बोदीवाड़ा। तो ये भाई साहब संजय कुमार नैन है और इनका जो है गांव बोदीवाड़ा पिथा है, यहीं पे नियर 1 किलोमीटर यहाँ पे जो हमारा गांव है, तो वहीं से ये भाई साहब हैं। और सारी की सारी जो ये गुड़ की फैक्ट्री है और कौन सी क्वालिटी का गुड़ है वो इनसे पूछेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे जो गुड़ है ओरिजिनल तरीके से बनाया, बिल्कुल ओरिजिनल और ऑर्गेनिक बनाने की जो विधि है वो पुराने जैसे बुजुर्ग बनाते थे वही विधि है, कोई इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ भी एड नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है बनाने की विधि जो है वो ऑर्गेनिक है, और कोई भी केमिकल या बाहर की कोई भी चीज यूज नहीं है। इवन गन्ना भी मेरे खेत का है। अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात है, अभी गन्ना भी इनके खेत का है और सारा का सारा जो है गुड़ यहीं पे बनाया जाता है। और आपको दिखाएंगे भी प्रोसेस जो है किस तरह से किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पास में अंकल जी भी हैं, ये भी गुड़ आप गुड़ लेके जाते हो इनसे? हाँ जी लेके जाते हैं, बहुत बढ़िया गुड़ है, बहुत बेस्ट चाय बनती है, हर बीमारी शुगर तेजाब वगैरह बनती है, चिड़ी है कुछ नहीं बनती। हाँ भी बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। तो घर पे जो लोग हैं, जो बाकी आपकी जो वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे यही बोलो कि जो गुड़ है देसी वो यहीं का लेना, यहाँ से ले जाना चाहिए चाय के लिए, बहुत बढ़िया गुड़ है। मैंने 2-3 साल हो गया यहाँ से ले जाते हुए चाय के लिए, बहुत बढ़िया बेस्ट गुड़ है। और जो चाय कई गुड़ की चाय फटती है वो नहीं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं फटती, बिल्कुल। अच्छा। कितना है उबालो, कितना करो, कुछ नहीं फटेगी। तो देखो ये जो है ये गांव से है, यहाँ पे पास में इनकी डाणियां, ये भी यहाँ से गुड़ लेके जाते हैं। और इन्होंने जो बताया है, इनका नाम इंद्राज अंकल है, इन्होंने सारी बात जो है बताई है। अभी यहाँ का जो गुड़ है वो A1 क्वालिटी का तैयार किया जाता है, और कैसे तैयार किया जाता है वो दिखाते हैं। तो भाई साहब शुरुआत, अच्छा खाने में स्वाद, तो भाई साहब एक बात बताओ, शुरुआत यहाँ से करते हैं हम। ये देखो यहाँ पे जो लाइव आप देख रहे हो कि गन्ना जो है वो इस तरह से जो कोल्लू लगा हुआ है, तो उस साइड से, अच्छा लगो उधर से, हाँ तो आ जाओ दिखाते हैं इस साइड से। ये देखो इस साइड से गन्ना जो है यहाँ पे लगाया जाता है। भाई साहब ये जो गन्ना, कितना गन्ना निकाल देते हो आप रोज का? हम ज़्यादा नहीं निकालते हैं, हम अपने 50 क्विंटल रोज गन्ना निकालते हैं। अच्छा 50 क्विंटल? हाँ 50 क्विंटल रोज गन्ना निकालते हैं। अच्छा, उससे उसके बाद में उसका गुड़ बनाते हैं। अच्छा 50 क्विंटल में आप मान के चलो, अभी तो कम बन रहा है, यील्ड कम आ रही है गुड़ की, जैसे जैसे गर्मी आएगी इसकी प्रोसेसिंग यील्ड ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा, अभी जैसे अभी तो सर्दी है, रोज का 50 क्विंटल जो गन्ना है वो निकालते हैं, और कचरा देख लो इस तरह से कचरा जो साथ की साथ इसके जलाने में काम आता है। अच्छा फ्यूल है ये एक तरह का फ्यूल है। और उस साइड देखो जो वहाँ पे ये गन्ना ले जाके सुखा के इसका फ्यूल हम यूज करते हैं। अच्छा। भट्टी में लगाते हैं, जलाते हैं इसको। अच्छा, जो भट्टी यहाँ पे बनी होती है वो पीछे भट्टी है, वहाँ से इसको बर्न करते हैं। मतलब कोई भी चीज जो है आपको लगभग बाहर से ले जाने की कोई जरूरत नहीं, इमरजेंसी में जैसे कहीं मौसम खराब हो तब फ्यूल की जरूरत पड़ती है, बाहर की नीड की जरूरत पड़ती है। अच्छा। इवन तो ये गन्ने की जो बच्ची खोरी होती है जो सामने दिख रहा है, प्राली दिखाएगा काम आ जाती है। अच्छा, कच्चा जो हम जो कच्चा गन्ना है ये गन्ना जो है ये हम यूज नहीं करते, ये निकाल देते हैं, मतलब वो निकाल भी देते हैं। अच्छा, ये जो है ये आपका वेस्ट में चला जाएगा, हमारा वेस्ट है इसका। और ये फिर बाद में सूखने पे थोड़ा बहुत उसको आग में, मतलब काम में बर्न में ही काम करेंगे, बर्न में काम करेगा। ये देखो कितना सारा गन्ना जो यहाँ पे भाई साहब, जो गन्ना कच्चा होता है यहाँ पे निकाल के वेस्ट में कर दिया जाता है, क्योंकि क्वालिटी के साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। तो आ जाओ दिखाते हैं गुड़ अंदर किस तरह से बन रहा है। ये जो आप सेटअप देख रहे हो बिल्कुल पुराने तरीके से यहाँ पे सेटअप किया गया है, कोई भी चीज़ जो है बाहर से नहीं लेके आए, यहीं पे तैयार करके। ये जो है ये भी अपने खेतों की चीजें हैं। अच्छा, जो हमने ये रूफ लगा रखी है ये भी खेत की है, जो सरकना बोलते हैं अपने, वो काना बोलते हैं इसको, वो ही काट के हमने इसको यूज किया है। प्योर पुराना तरीका है पूरा। अच्छा ओल्ड हाँ भी जो ओल्ड तरीके से अपना, हाँ ओल्ड इज गोल्ड, जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं भी ओल्ड इज गोल्ड। तो ये देखो
यहाँ पे चार कढ़ाई हैं क्या भाई साहब? हाँ जी, चार कढ़ाई हैं मेरे पास। तो इसमें चारों में क्या है, इसमें ज्यादा क्लियर सफाई ज्यादा आती है। अच्छा। दूसरा एक फ्यूल की बचत होती है। अच्छा। इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाता है, थोड़ा कम गर्म होता है, तो उसमें निखारी ज्यादा अच्छे से आती है चार में। ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहता है, ज्यादा बढ़िया रहता है। इसमें नहीं, इसमें चार होने का कारण क्या है? यही बता रहा हूँ ना, लोग लगभग तीन मिलेंगे आपको। अच्छा। मैंने चार लगा रखे हैं इसीलिए। तो एक तो फिनिशिंग ज्यादा आएगी आपकी। अच्छा, अभी गुड़ जो है आप पलटते रहते हो ऐसे? जो भाई ये जूस, ये जूस है, ये उसमें डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब उधर से जूस आया, ये वो जूस है, थोड़ा सा उसको आंच लगी, गर्म हो गया वो जूस। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या मेरे को फ्यूल की बचत होगी। अच्छा, अदरवाइज ये वेस्ट जाना था, उसकी थोड़ी आंच से वो गर्म हो गया। और इसमें आपने क्या डाला हुआ है? ये जो है ना, आपने वेस्ट निकाला है इसका, इसको हमने वहाँ टंगा दिया है। इसमें जो जूस रह गया थोड़ा बहुत, वो उसके अंदर ही चला जाए। अच्छा, और ये बाल्टी में आपने क्या रख लिया है? भिंडी के अंदर, ये भिंडी है। अच्छा। जिसे हम इसका सफाई करते हैं। ठीक, इसको कुटाई करके इसको हम ऐसे, ये देखो इसका पानी है, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है गूंद के जैसे। हाँ, ये देखो इससे सफाई होती है। ये देखो जो भिंडी है, भिंडी को कूट के ऐसा लिक्विड गाढ़ा बनाया जाता है, और फिर गन्ने का जूस जब गर्म होता है तो उसके अंदर उसको अंदर इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, फिर ये जैसे जैसे देखो आप, ये ऊपर आ गया ना, ये चीज देखो, ये इसका मेल, अच्छा ये मेल आ गया। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे इधर कर देते हैं, फिर बार इसको धीरे धीरे बार नहीं, उसको अंदर डाल देते हैं फिर। ठीक है, उसके अंदर फिर वो निकल जाता है। अच्छा, अभी जो ये प्रोसेस है, आप लोग, आप सभी को भाई साहब दिखा रहे हैं, अभी यहाँ पे जो गुड़ के साफ किया जाता है वो भी ओरिजिनल जो भिंडी है उससे किया जाता है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा इस साइड आए, और ये जो पाइप है ये दिखाए भी, पाइप से जो गुड़ है लाइव यहाँ पे, उस मशीन से जो हमने पहले मशीन दिखाई उससे जूस आ रहा है। वो हाँ, वो जूस आ रहा है, जूस आ रहा है। तो ये कंटिन्यू चलती रहती है? नहीं, ये हम जब चलाते हैं, आप बंद कर दी मशीन। अच्छा, अब जो उसके अंदर जूस, वो देखो आपने, हमने वो भी ढक के रखा हुआ है। ये देखो इसके डिग्गी के अंदर आ रहा है, वो भी हमने ढका हुआ है। यहाँ पे जो डिग्गी है, हाँ यहाँ पे उस जूस से, उस पाइप से इसमें आता है। अच्छा, वो हमने ढक के रखा हुआ है, उससे फिर ये यहाँ पे आता है। ये जो है आप, हाँ, पूरा का प्रोसेस, पूरा प्रोसेस है, पूरी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, और एक बात ये बताओ भाई साहब कि कई लोग ये बोलते हैं कि जो ये गुड़ है ये महंगा होता है, कई लोग बोलते हैं। तो वो मेन बात, मेरी बात सुनो, आप होममेड घी लोगे वो क्या रेट पड़ेगा आपको? वो आप घर पे निकाल के देखो, हजार के लगभग, अप्रोक्सीमेटली हजार के पड़ेगा। तो ये होममेड गुड़ है, तो ऑब्वियसली ये उससे महंगा पड़ेगा। सही है, गुड़ उसमें तैयार होता है, उधर भट्टी के बिल्कुल जो को पास में होगी ना। हाँ, गुड़ इसमें तैयार होगा। अच्छा, इन तीनों में निखारी होगी, यानी सफाई होगी, इन तीनों में सफाई होगी। ये तीन सफाई के, ये तीन सफाई के लिए वो फाइनल टच है, उसमें पूरा हो गए। उसके बाद में ये चाक आता है। अच्छा, ये चाक है जो इस पे ठंडा होता है ऐसे। अच्छा, इस चाक पे या ये क्या करते हैं, जो ये लास्ट कढ़ाई है यहाँ पे, पहली बोल सकते हो आप, उधर से इधर से पहली है, उधर से लास्ट। हाँ, लास्ट है। तो ये जो है इस पे गुड़ डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और 10-15 मिनट में जो गुड़ है, फिर बाद में इसको थप के यहाँ पे डाल देते हैं इसके ऊपर, पेड़े बना के, या कोई भी डिजाइन। अब काफी लोग ऐसे गुड़ भी बनाते हैं, पेड़ा भी बनाते हैं, पर मैं इसमें फॉलो करता हूँ कि उसमें भी थोड़ा बहुत पानी लगता है, ठंडी चीज लगती है, तो ये मेरे को सबसे बढ़िया लगा। हाँ, ये जो पापड़ी सिस्टम है ये सबसे बढ़िया है। तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम है, और यहाँ पे जो है ये लो मार्जिन पे जो है, मिनिमम मार्जिन जो है लेते हैं। गन्ने की पेमेंट आती नहीं थी। अच्छा, और गन्ना इन फील्ड था। हाँ जी, तो पेमेंट दो साल तक आती नहीं थी, तो हम क्या करें, हमारे दिमाग में ये बात चल रही थी। तो हमने सोचा भी क्यों ना एक बढ़िया चीज लोगों को बना के दी जाए, और बढ़िया चीज और स्वस्थ खाने के लिए दी जाए, लोगों की हेल्थ का ध्यान भी आप, लोगों की हेल्थ का ध्यान, मतलब बाजार से लेना तो ले सकते हो अभी, वो तो अपनी मर्जी है उनकी, लेकिन आपने वो चीज बनाई है जो हमारे बुजुर्ग सदियों से चला आ रहे हैं। हाँ, और गुड़ तो एक बहुत बढ़िया चीज है, मतलब हेल्थ के इश्यू के हिसाब से, आपके हिसाब से जो चाय पीते हैं उनको खांड की चाय पीनी चाहिए या गुड़ की? मेरे हिसाब से तो गुड़ की पीनी चाहिए, गुड़ की। इवन मैं तो ये बोलता हूँ, आप अपने बच्चों को चीनी देते हो, मीठा करते हो, शक्कर डाल के मीठा करो उसको, दूध को, क्योंकि चीनी में जो है सल्फर से चीनी साफ की जाती है, सल्फर ज्यादा होती है। अगर कोई भी आपका व्यूज है, आपको उसको एक और बोल देता हूँ, चीनी भी आप यूज करो वो मैली यूज करो, व्हाइट मत करो, भी जो व्हाइट साफ की हुई होती है, साफ होगी उतना ही ज्यादा केमिकल इसके अंदर होगा। देख लो, जो हम सफाई की बात कर रहे हैं, चीनी हमें व्हाइट जो दिखती है वो सल्फर से साफ की हुई होती है, और मेरी नीचे वीडियो है, आप देख लेना, उस वीडियो में भी चीनी कैसे बनाई जाती है, मैंने चीनी का पूरा प्रोसेस जो है अपनी वीडियो में दिखाया है, तो आप वो भी देख लेना। और ये जो गुड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी भाई जो है अपने घर में यूज किया करो, और चीनी को अवॉइड करो जितना हो सके, जहाँ पे जरूरत नहीं है
तो वहाँ पे चीनी का यूज मत करो। अगर ज़्यादा ही आपको ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत चीनी घर पे रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों को ये जो गुड़ है ओरिजिनल घर का जो यहाँ पे बनाया जाता है पुराने तरीके से, ये गुड़ जो है खिलाया करो तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की हेल्थ का फ़ायदा होगा और जो है बढ़िया तरीके से ये गुड़ बनाया जाता है। अच्छा, आपके यहाँ पे कौन कौन सी गुड़ की क्वालिटी मिलती है, क्या क्या रेट में? एक तो अजवाइन गुड़ है, एक सौंफ का है, एक मैंने क्या नाम लेते हैं ड्राई फ्रूट का है, और एक मैंने अपने हिसाब से गचक बनाई है, उसमें इलायची का पाउडर, सौंफ का पाउडर और खोपरे का पाउडर और मूंगफली डली हुई है। अच्छा, एक तो ये वैरायटी है, ये खाने के लिए जैसे खाना खाया। चार वैरायटी होगी, चार वैरायटी, एक शक्कर। अच्छा, और कौन कौन से प्राइस से लेके कौन कौन से प्राइस? मेरा जो सिंपल गुड़ है वो 80 रुपए किलो है। अच्छा, ठीक है, और शक्कर है मेरी 110 रुपए किलो है। अच्छा, बाकी जैसे जो ड्राई फ्रूट वाला है वो 250 रुपए है, जो कच्चा गुड़ है। हाँ, तो दिखाओ। 250 रुपए वाले में क्या है, उसमें हमने डाल रखा है बादाम डाली हुई है, और क्या काजू डाले हुए हैं, चिया सीड डाले हुए हैं, और इलायची का पाउडर, सौंफ का पाउडर, काफी कुछ डाला हुआ। भर भर के जो है ड्राई फ्रूट इन्होंने डाले हैं, तब जाके 230 रुपए ये ले रहे हैं, क्योंकि हजारों के ड्राई फ्रूट जो है इन्होंने इसमें हर तरह का ड्राई फ्रूट जो है ऐड किया है। तो देखते हैं भाई साहब इसमें है क्या ड्राई फ्रूट अभी। बिल्कुल है सर, तो देखते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैंने ड्राई फ्रूट, लोग क्या करते हैं जैसे गच्चक होती है, गच्चक के ऊपर क्या करते हैं उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, मैंने क्या किया इसको पूरा उसके अंदर डाला हुआ है, जैसे अपने पराठा बनाते हैं, जैसे पराठे के अंदर घी लगाते हैं, अपने चपाती नहीं चोपड़ी हुई, देखो आप अब इसके अंदर डाले हुए मेरे। अच्छा, ये बाहर से तो दिखाई नहीं देते, दिखाई देंगे आपको, अब दिखाता हूँ ये ड्राई फ्रूट। ये देखो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ड्राई फ्रूट बहुत सारे भर भर के यहाँ पे, ये देखो अंदर, ये अंदर डाले हुए मेरे, बाहर कुछ भी नहीं दिख, अंदर देखो ध्यान से, अंदर देखो बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो है ऐड किए गए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी गुड़ है। तो इस गुड़ की कीमत कोई भी है, आप अगर 250 रुपए है तो भी ये बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल तरीके से गुड़ तैयार करके उसमें घर के जो है ड्राई फ्रूट यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट जो है भाई साहब ने यहाँ पे कर रखा है। तो बाकी मैं आपको एक बात और इनसे पूछेंगे, भाई साहब एक बात बताओ, ये जो गुड़ है इसकी जैसे ये बता रहे थे बिचाई नहीं पड़ती, ठीक है, और एक इसका ये होता है भी, कई लोग ये बोल देते हैं भी जो गुड़ है भिंडी से भी मतलब जो है तैयार करते नहीं है भी, केमिकल डालते हैं। आप तो कोई केमिकल यूज यहाँ पे सर, आप मेरी बात, किसी ने भी गुड़ लेना है मेरे से, किलो लो, 5 किलो लो, 10 किलो, आप बैठ के लो। हाँ, भी यहाँ पे आके आप देखो, बैठ के लो, अंदर से बैठ के लो, अंदर से आपको गुड़ दूंगा मैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे कोई भी पैकिंग जो है, कोई भी मतलब पैकिंग नहीं है, कोई मतलब अंदर से छुपाने वाली बात नहीं है मेरे पास। हाँ, ये जो है, ये भाई साहब है इनका जो यहाँ पे सिस्टम है ना, आप आओ और लाइव जो है यहाँ से गुड़ लो, और अलग अलग वैरायटियां गुड़ की है, जितना वो किसी ने बोला ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, तो वो है क्वालिटी पे। तो ड्राई फ्रूट के भी हैं बहुत सारे, और चार वेरिएंट में इनका गुड़ है, और 80 रुपीज से लेके 250 तक, 250 यानी कि 250 रुपये तक है, 80 से लेके 250 रुपये तक जो है। मेरे पास आते हैं काफ़ी लोगों के गैस वगैरह की प्रॉब्लम्स थी, तो वो मेरे से अजवाइन गुड़ लेके जाते हैं, तो वो गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो अजवाइन तो वैसे भी ठीक होती है, एसिडिटी लिए पेट के लिए साफ। कई कई लोगों के तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, व्यूज आ रहे हैं लोगों के, काफ़ी लोगों के मेरे पास आ रहे हैं अभी ठीक हो गया। हाँ, और मैं तो ये तो लगभग मेरा 4 महीने चलता है, उसके बाद में मेरा, आपको कितने साल हो गए ये गुड़? मेरा तीसरा साल है सर, तीसरा साल है। हाँ, बस देखो 3 साल हो गए इनको पूरा एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि इनको विरासत में जो है एग्रीकल्चर का काम जो है विरासत में मिला है, क्योंकि खुद एक किसान के बेटे हैं और ये सारा कुछ जानते हैं। तो भाई साहब जो है बढ़िया तरीके का गुड़ बनाते हैं, और 4 वेरियंट है जिनमें से अजवाइन का अलग है, ड्राई फ्रूट का अलग है, अजवाइन का गुड़ सौंफ का भी है, सौंफ का भी है, लेकिन अजवाइन का गुड़ इसलिए भाई साहब बता रहे हैं क्योंकि जो जिनके पेट में कोई दिक्कत होती है, खराब मान लो खाना नहीं पचता टाइम से, तो ये जो है आप अजवाइन का गुड़ यूज कर सकते हो। तो इस तरह का बढ़िया गुड़ जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो भाई साहब की जो ये शॉप है, जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, तो यहाँ पे है, ये मेन हाईवे है अबोर से फाजिलका का, जो मेन हाईवे है उसके ऊपर नियर गंगकनाल पुल है ना, उसके पास में पुल से पहले ही, अबोर से आप आओगे तो पुल से पहले ही जो है ये लोकेशन है। किसान देसी गुड़ के नाम है इसका, किसान देसी गुड़ के नाम से जो ये फैक्ट्री लगी हुई है, और आपको बार बोर्ड भी जो है